देश की शिक्षा प्रणाली में काफी असमानताएं हैं। ये असमानताएं पढ़ाई लिखाई के तरीके, मीडियम, शिक्षकों की क्वालिटी से लेकर बोर्ड परीक्षाओं में मिलने वाले नंबर तक हर जगह मौजूद हैं। नंबर के मामले में सीबीएसई बोर्ड के छात्र सबसे आगे हैं। इसमें 90% नंबर लाना सामान्य बात मानी जाती है। यही नहीं, कई छात्रों को 100% तक नंबर मिल जाते हैं। आईसीएसई परीक्षा में कमोबेश ऐसी स्थिति है। नंबर देने के मामले में शिक्षक पीछे नहीं हटते, लेकिन दूसरी तरफ यूपी, बिहार या अन्य राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में 60-70% अंक लाना भी छात्रों के लिए मुश्किल हो जाता है। 90% तक नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या बेहद कम होती है। ऐसे में ज्यादातर छात्रों को बड़ी संस्थाओं में एडमिशन तक नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ सीबीएसई के छात्र यूपी, बिहार या अन्य राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं के छात्रों से काफी आगे निकल जाते हैं। नंबर के दम पर उन्हें बड़ी बड़ी संस्थाओं में एडमिशन मिल जाता है। यानी ये कहा जा सकता है कि सीबीएसई और आईसीएसई के छात्रों से दूसरे बोर्ड के छात्र काफी पिछड़ जाते हैं। इसी असमानता को कम करने के लिए केंद्र सरकार जल्दी ही परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी परख के नाम से नया रेगुलेटर बनाना चाहती है। सरकार का इरादा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों का आकलन करने के लिए बेंचमार्क ढांचा तैयार करना है। पिछले कुछ महीनों में एनसीईआरटी ने आम सहमति के लिए राज्यों के बोर्ड और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एससीईआरटी के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें की हैं। नए रेगुलेटर परख एनसीईआरटी की इकाई के रूप में काम करेगा, जो 2020 में हुए एनईपी प्रस्ताव का हिस्सा है। नई शिक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकांश राज्यों ने एनईपी के प्रस्ताव के तहत 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित होने का समर्थन किया है, जिसमें छात्रों को उनके स्कोर में सुधार करने में मदद के लिए एक परीक्षा शामिल है। गणित में 2 तरह के पेपर लाने के प्रस्ताव पर राज्य सहमत है, जिसमें एक मानक परीक्षा और दूसरा उच्च स्तर की योग्यता परीक्षा हो सकेगी। इसके अलावा छात्रों को रटने पर रोक लगाने की बात कही गई है। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हुआ तो 2024 में नेशनल असेसमेंट सर्वे का संचालन परख द्वारा किया जाएगा। हालांकि इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों से बात कर रही है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से सभी बोर्ड परीक्षाओं के छात्रों में समानता आ सकेगी, साथ ही छात्रों का भविष्य भी बेहतर हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।